यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से संजय राय की रिपोर्ट। नगर कोतवाल की बर्खास्तगी को लेकर छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बलिया द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में घेरा डालो डेरा डालो के तहत दो दिवसीय धरना। खबर बलिया जनपद की है, जहां नगर कोतवाल की बर्खास्तगी को लेकर छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बलिया द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में घेरा डालो डेरा डालो के तहत दो दिवसीय धरना किया गया। धरने पर बैठे धनंजय सिंह बिसेन ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि जब तक नगर कोतवाल की बर्खास्तगी नहीं हो जाती या फिर जनपद से बाहर नहीं किए जाते, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए सुनाते हैं छात्र नेता धनंजय सिंह बिसेन की जो और थोड़ा पीछे हो जाइए, और थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि ये भी आ जाएंगे और आप इधर आ जाइए, बगल में आ जाइए। बलिया तो हार चुका है, बलिया के जल पर जी आपका एक परिचय। धनंजय सिंह विषय छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कुमार सिंह महाविद्यालय बलिया जी। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और कहाँ पे? 30 तारीख के दिन जो कोतवाल के साथ और उनका कोतवाल जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किए थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर बलिया कोतवाल के बर्खास्तगी की मांग को लेकर हम लोग घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत बैठे हुए। क्या हुआ ये था कि 30 तारीख के दिन जिस दिन महिलाएं व्रत थी, खाना खाने के लिए लोग उपस्थित हुए थे, वहीं कोतवाल साहब आए और एक राज्य कर्मचारी के साथ, प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ और एक संभ्रांत व्यक्ति के साथ उलझ गए। हमने उनको रोका और टोका तो उनको ये चीज़ नागवार गुजरी और उसके बाद हमसे भी हाथापाई किए, गुत्थम किए और कोतवाली ले जाकर के लॉकअप में बंद करने का काम किया। हमने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने लॉकअप का ध्वंस दिखाने लगे और लेकर के गए भी, कहे कि शराब पी करके तुम बदतमीजी कर रहे हो और खुद शराब पी करके शराब के नशे में वो ड्यूटी करते हैं रात की। अभी आपकी क्या डिमांड? डिमांड ये है कि बलिया कोतवाल को बर्खास्त किया जाए या बलिया कोतवाल को जनपद से बाहर किया जाए। नहीं मानी जाती है मांगे तो क्या करेंगे हम लोग? गांधीवादी तरीके से और आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, निरंतर हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा।